मेथी थेपला के लिए हमें यहाँ पे लगेगा, मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिया है, उसमें ये वॉश करके फाइन चॉप मेथी के पत्तों को सिर्फ हमें लेना है 1 कप जितना मेथी, फाइन चॉप मेथी, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली की ये पेस्ट है, थोड़ा सा दरदरा पेस्ट चाहिए हमें, अदरक लहसुन और हरी मिर्च उसका ये पेस्ट है, थोड़ा सा एक बड़ा चम्मच ऐसे हम दही इसमें ऐड करेंगे, दही की वजह से जो थेपला है वो बहुत सॉफ्ट होता है। बाकी के बेसिक मसाले ऐड करेंगे, हमने मिर्च ऐड की है तो ये 1 टीस्पून जितना, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया और जीरा का पाउडर, ये मिक्स है, आप अलग अलग भी 1/2 टीस्पून 1/1 टीस्पून ऐड कर सकते एज पर योर टेस्ट अकॉर्डिंग। थोड़ी सी हल्दी, अजवाइन ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून जितना, सफ़ेद तिल ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना, ये आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं एज पर टेस्ट, और सॉल्ट ऐड करेंगे एज पर टेस्ट, हमें सॉल्ट ऐड करना है, और लास्ट में हम थोड़ा सा इसमें तेल ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच। इन सारी चीज़ों को हमें सबसे पहले अच्छे से आटा में मिक्स करना है, और बाद में हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक सॉफ्ट इसका डो बना के लेते हैं। दही की वजह से बहुत सॉफ्ट बनता है ये थेपला, विंटर स्पेशल रेसिपीज़ है, हेल्दी भी है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसका एक सॉफ्ट डो बना के लेती हूँ। लास्ट में थोड़ा सा और हम 1-2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से इसको नीड करेंगे। ऑलमोस्ट ये डो रेडी है, डो रेडी करके हमें 10 से 15 मिनट आटा थोड़ा सा ढलने तक इसको रखना है, रेस्ट करना है, और आफ्टर 15 मिनट्स हम पराठे बेलेंगे, पराठे बोलो या थेपले बोलो। ऑलमोस्ट ये डो हमारा रेडी है, डो रेडी है, अभी मैं इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रखती हूँ। आटा अच्छे से ढल गया है, अभी हम इसकी छोटे छोटे ऐसे पेड़े बना के थेपले को बेल लेते हैं। थेपले जो है वो पतले रहते हैं और पराठे जो रहते हैं वो थोड़े से मोटे रहते हैं, तो आपको अगर पराठा बनाना है तो आप थोड़ा सा इसको मोटा बेलिए, और थेपला बनाना है तो आप इसको थोड़ा सा पतला बेलिए। पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, अभी हम इसके ऊपर थेपलों को अच्छे से सेक लेते हैं। आप तेल के साथ भी सेक सकते हैं और घी लगा के भी सेक सकते हैं। मैं यहाँ पे लगाते वक्त तेल लगाऊंगी और थोड़ा सा सर्व करते वक्त, खाते वक्त उसको अगर ऊपर से घी लगा के सर्व किया तो घी के साथ ये बहुत टेस्टी लगते हैं। विंटर स्पेशल रेसिपीज़ है, मोस्टली विंटर में ये की जाती है, मेथी हरी सब्जी बहुत अच्छे तरीके से आती है। आप देखेंगे कि ये बहुत सॉफ्ट बनती है, और इसका बेनिफिट ये है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होते। आप ट्रैवलिंग के लिए ये बेस्ट रेसिपीज़ है, आपको अगर कहीं पे ट्रैवल करना है तो इसको 5-6 दिन के लिए अच्छे से ये रहते हैं, आप साथ में कैरी कर सकते हैं। ऐसे करके मैं एक एक करके सारे थेपलों को बना के लेती हूँ। कोई भी चटनी, अचार या घी लगा के या फिर दही के साथ थेपले ब्रेकफास्ट के लिए भी अच्छा है, बच्चों को टिफिन के लिए भी अच्छा है, या फिर आलू की सब्जी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं।
ऑलमोस्ट ये थेपला डन। ऐसे एक एक करके मैं सारे थेपले बना के लेती हूँ। ये हेल्दी ऐसे मेथी थेपले रेडी है। आप दही के साथ, चटनी के साथ, अचार या कोई भी सब्जी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।